मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पाकिस्तान से आए हुए 6 नागरिकों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों ने बताया कि उनके साथ पाकिस्तान में अत्याचार किया जाता है। जब भी अयोध्या मंदिर का मुद्दा उठता है, वहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ लूटपाट की जाती है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए CA और NRC कानून के तहत पड़ोसी मुल्कों से बड़ी संख्या में हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यक धर्म के लोग भारत आ रहे हैं। उसी के तहत पाकिस्तान से आए हुए 6 नागरिकों को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। भारत की नागरिकता मिलने से हिंदू परिवार काफी खुश नजर आए। नागरिकता मिलने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू नागरिकों ने अपनी दुख भरी कहानी जनता को बताई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, हिंदुओं की घर दुकानों को लूट लिया जाता है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं के साथ दुर्भावना रखी जाती है। भारत में राम मंदिर का मामला उठता था तो पाक में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ जाता था, मंदिर जला दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि करीब 31 साल के संघर्ष के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है, जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझसे 22 साल हो गए, बहुत कोशिश करी हमने, अब तो कोशिश करी, जब हमको मिली अब तो बहुत हम खुश हैं। अब तो बहुत परेशानी थी ना वहाँ पे, जब तो यहाँ आए ना, कारण तो ऐसे थे, हम पहले तो ऐसे आए थे, मन को मुसीबत थी, इसलिए माए के इस वजह से ना हम यहाँ आ गए। तो यहाँ लड़का अच्छा मिल गया तो मैंने शादी कर दी यहाँ पे। इस वक्त मैं बैरागढ़ भोपाल में रहता हूँ और 91 में मैं यहाँ आया था। काफ़ी संघर्ष किया नेशनलिटी के लिए। मैं पहले तो काफ़ी जो है 2-3 मरतबा नेशनलिटी के लिए फार्म भरे, लेकिन अभी जाकर हमें जो है नेशनलिटी मिली है। आपका धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर 91 में हम आए इंडिया में, मंदसौर MP में आए हैं, और आज 31 साल के बाद सरकार ने हमारी सुन ली है, सरकार ने हमको नेशनलिटी प्रदान की है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम अभी इंडियन कहलाएंगे। आपके सामने हैं बहन जो खड़ी हुई है, वहाँ से सौसल्या बाई से लेके यहाँ तक नंदलाल जी तक, ये पड़ोसी देशों में जो धार्मिक आधार पर पीड़ित हिंदू शरणार्थी कहलाए, जो उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए आज हम आदरणीय नंदलाल जी बैरागढ़ भोपाल से हैं, आदरणीय अमित कुमार जी बैरसिया रोड भोपाल से हैं, आदरणीय श्री अर्जुन दास जी मंदसौर से हैं, जयराम दास जी भी मंदसौर से हैं, श्री नारायण दास जी मंदसौर से हैं और श्रीमती सौसल्या बाई जी भी मंदसौर से हैं। इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आज कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पूर्ण की है और उनको आज कागज भी दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।